बहुत इच्छा होती है कि जो साधक निखिल चेतना केंद्र आए वो अपनी इच्छा पूरे कर लेकर ही यहां से जाए और वो केवल साधना के मार्ग से साधना मार्ग से वे आगे बढ़े। सभी की दिक्कतें समझता हूं, आप बहुत बिजी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है और अपने अपनी काम में व्यस्तता है, इस सबसे बढ़कर भी फोन है आपके साथ मोबाइल, वो कोई साधना करने नहीं देता कभी। तो इन सभी को छूटकर मैं आपको अगर कुछ समय साधना के लिए दे सके तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसी साधना करें, यहां मेरे सामने ही बैठकर एक घंटे की साधना करें और कोई ऐसी वस्तु निखिल चेतना केंद्र से ले जाएं जो आपको आपकी मनोकामना वर्ष भर में पूर्ण करें। मैंने ऐसे ही जो ये बोर्ड रखा हुआ है, आप चार बोर्ड चार तरफ रखे हैं, मैं लघु साधनाएं आपको दिया हूं। एक मनोकामना साधना है, एक धनवृद्धि साधना है, व्यापार में या आजकल ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें फायदा होने के लिए। तीसरी साधना है जो बच्चे अल्लड़ है, पढ़ते नहीं, जिन घर में जिनकी बच्चियों की शादियां होती नहीं, कितना भी करने पर कुछ ना कुछ उनको परेशानी होती रहती ही रहती है ऐसी, और इसके साथ वाद विवाद और कोर्ट में केसेस है, शत्रु ज़्यादा सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए छोटी एक दिन, इन तीन दिन में आप एक साधना, चार घंटे में चार साधनाएं कर देंगे एक ही दिन में। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज़ कुछ लेकर जाएं कि आप साल भर में कहें कि गुरु जी हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, मैं तब कहूंगा कि मैंने साधना के मार्ग में आपको सही मार्ग पर मैं आपको ले जा रहा हूं। इसी के लिए मैंने इन साधनाओं को आपके सामने रखा है। वैसे मैंने प्रातः सुबह साधकों को बताया था कि किस प्रकार धन की कमी दरिद्र सुदामा जी को थी। सुदामा जी और कृष्ण एक ही गुरु के पास पढ़े, लेकिन सभी को पता है सुदामा बीच में ही गुरु को छोड़कर चले गए, बाद में उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनके माँ बाप नहीं रहे, बहुत दरिद्रता अनुभव की उन्होंने, इतनी दरिद्रता कि उनको खाने को भी नहीं था, ये बात मैंने सुबह बताई। और जब बार बार कृष्ण कृष्ण कहते थे, लेकिन उनके गांव में वहाँ पौंड्र कृष्ण नाम का भी एक व्यक्ति था, उस पौंड्र कृष्ण ने कृष्ण को सुदामा जी को कहा कि तू कृष्ण करना छोड़ दे, मेरा नाम पौंड्र कृष्ण ले ले, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा। लेकिन सुदामा जी ने कहा कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, कृष्ण से मैं प्रेम करता हूँ और मैं उस कृष्ण से ही प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो मैं उन्हीं से प्रेम करूंगा। बहुत दिन हो गए, जब खाने दाने दाने को तरसने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा तुम कहते हो कि कृष्ण तुम्हारा सखा है, कृष्ण तुम्हारा इतना सब कुछ है, तो उस कृष्ण महाराजा के पास जाके कुछ मांग क्यों नहीं लेते। तो सुदामा ने कहा कि वो सखा है, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मित्र उसे कहते हैं जो आपके कष्टों में सहायता करे, आपके दुख दर्द में सहायता करे। अच्छा मित्र की पहचान तभी होती है जब आप दुख में हो, दुखी हो। बहुत पत्नी के कहने के बाद सुदामा गए, ये सभी को मालूम है, वो उनके द्वार पर गए और कहा कि मैं जाता हूँ। उनके फटे पुराने कपड़े थे, छोटी थी, लंगड़ते हुए गए धीमा धीमा, और उन्होंने जब जाकर उनके उस द्वार पर खड़े हो गए और कहा कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपालकों ने कहा क्या सर फिरा हुआ है क्या, कृष्ण महाराज है और तू क्या दरिद्र फटा हुआ गरीब, तेरे को कौन अंदर भेजता है। बहुत अनुनय विनय की उसने कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। बोले तू है कौन, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो उसने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, बाल्य मित्र हूँ। ओ जोर से ठहा के मार के हंसा द्वारपाल, बोला अक्कल होनी चाहिए कुछ तो, कृष्ण के सखा और इतने दरिद्र होते हैं क्या, कोई कैसी बात करता है, चल चल निकल जाओ। उसको ढकेल दिया गया। बाद में द्वारपाल कृष्ण के जी के सामने गया, प्रभु आज एक आश्चर्यचकित घटना हुई। बोले कृष्ण क्या हुई। बोले एक दरिद्र ब्राह्मण फटे धोती वाला चोटी वाला लंगड़ता हुआ आया और आपसे मिलना चाहता, मैंने तो उसको धकेल दिया। कृष्ण का कौन क्या था, उसका नाम क्यों धकेल दिया, उसने क्या कहा। तो कृष्ण को उस द्वारपाल ने कहा कोई सुदामा आपका बाल्य मित्र है कह रहा था, मैंने उसे धकेल दिया। कृष्ण नंगे पांव वही सिंहासन से भागते हुए गए और कहा कि सुदामा चिल्लाते हुए गलियों में गए कि सुदामा तू कहाँ है। सुदामा लंगड़ा था इसलिए धीमे धीमे चलते जा रहा था। तो उसने जब कृष्ण को भागते हुए आते देखा नंगे पांव और सुदामा ने गले लगाया, तो सुदामा को गले लगाने के बाद कृष्ण ने कहा कि तू इतना बड़ा सखा ऐसा कैसे हो गया तू। बोले कुछ नहीं, तू चल,
तू चल तुझे ले जाता हूं। जब कृष्ण सुदामा को रथ पर बिठाकर अंदर ले जा रहे थे, राज सिंहासन तक ले जा रहे थे, द्वारपाल के तो पसीने छूट गए। बोले मैं इतनी गलती कर गया कि उनके दोस्त को नहीं निकल बोल नहीं सका। वो अंदर गए, अंदर जाने के बाद कृष्ण ने उनको बिठाया और कृष्ण ने उनके पांव धोए, पांव धोकर कहा, सकुशल पूछा कि तुम कुशल हो, अच्छे हो, कैसे हो। सुदामा कुछ नहीं कह रहा था तो कृष्ण ने कहा, बताना क्या बात है, इतनी क्यों दरिद्रता है तेरे पास। फिर भी सुदामा चुप थे। सुदामा ने ज्ञान नेत्र से देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि दारिद्र्य की तरस रहे हैं, इसके 8 बच्चे हैं, पत्नी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दरिद्र होकर जी रहा है। तब कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे लिए क्या लाया। सुदामा के तो आंखों में आंसू आ गए, तू महाराज और मैं तेरे लिए लाने के लिए मेरे पास क्या है, बोल। नहीं बोल, तू मेरे लिए क्या लाया। तू कभी मेरे पास बाल्य मित्र था, तब मेरे पास आता था तो कुछ ना कुछ मेरे को खाने के लिए लाता था, आज क्या लाया। सुदामा की आंखों में आंसू आया, वो कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, उसके धोती में थोड़ा पोहा बंधा था, वो छुपा रहा था कि इतने राज्य में अगर मैं ये पोहा बता दूं तो मेरे को हंस देंगे सब लोग, उनकी 8 पत्नियां बैठी हुई है, द्वारपाल बैठे हुए हैं, ये सब लोग हंस देंगे मुझे देखकर। कृष्ण ने कहा, तू बिना मेरे को कुछ लिए मेरे पास नहीं आता, बोल क्या लाया। और वो जब छुपा रहा था तो कृष्ण ने उसका वो धोती की गांठ खोली तो उसमें पोहा था। पोहा उसने खाया, पहला पोहा खाया, उनका झोपड़ी का घर महल बन गया और उनके पत्नी के शरीर पर सोना लदके हो गया। दूसरा पोहा, दूसरा ग्रास जैसा ही कहा, धनधान्य से बढ़ गए आगे हुए बहुत, वो धनधान्य से श्रेष्ठ हो गए। तीसरा खा रहे थे, सत्यभामा और अष्टभार्याओं ने कहा कि और कितना दोगे उसे, तीसरा दे देंगे, तो क्या तुम दरिद्र होना चाहते हो। तो कृष्ण को उन्होंने रोक दिया। सुदामा को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, यहाँ तो उनके पांव धोए, उनको अलंकार किया, उनके कपड़े दिए, सब कुछ दिया, उनको धनवान, उनको बहुत उनका सत्कार किया। सुदामा दिख रहा था लेकिन उसने अपने पत्नी बच्चों को याद आ रही थी, मैं तो कृष्ण के सामने इतना सत्कार पा रहा हूँ, मैंने कृष्ण को मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं अब घर को जाकर फिर वो पूछेगी तो क्या, मैंने कृष्ण को पूछा ही नहीं, कृष्ण सब जानते थे। लेकिन सुदामा और कृष्ण बैठ गए, सब पत्नियों ने कहा कि अब तुम्हें खाना खाना है, तो सभी लोग अपनी अपनी जगह चले गए, कृष्ण और सुदामा दोनों ही बैठे थे। कृष्ण ने कहा, हे सुदामा, मैं तुझे रहस्य की बात बतलाता हूँ। बोले क्या, कि तेरे को ये दरिद्रता क्यों आई कि तूने गुरुजी को, गुरु आश्रम को बीच में ही छोड़ दिया एक, और गुरु के पास से गुरुजी ने कहा उसके बारे में नहीं देखा। सुदामा ने, तू अब रुक जा, मैं आगे की कहानी मैं बोलता हूँ, सुदामा कहने लगा। सुदामा ने कहा कि तू गुरु का प्रीति पात्र हुआ, तू गुरु से प्रेम किया, तूने गुरु को अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, गुरु को अपना सब कुछ दे दिया और मैं वो नहीं दे सका। तूने बिना गुरु दक्षिणा दिए तू वहां से हिला नहीं, गुरु को गुरु दक्षिणा दी तभी कहा कि मैं तुम्हारी विद्या लेता हूँ, तुम्हारे पास से कुछ लेता हूँ। गुरु ने गुरु दक्षिणा दी तभी उनको कुछ प्राप्त हुआ और मैं बिना गुरु दक्षिणा गुरु को दिए, गुरु की एक भी बात मैंने नहीं मानी और मैं कभी भी कृष्ण कृष्ण करता रहा, और इस गुरु को नहीं मानने के कारण, गुरु को दक्षिणा नहीं देने के कारण, गुरु को प्रसन्नता नहीं देने के कारण मुझे दरिद्रता भोगनी पड़ी। आज तूने जो कुछ भी दिया है कृष्ण, मैं तेरी तुझे प्रार्थना करने से तेरे से प्राप्त किया हूँ लेकिन गुरु से प्राप्त नहीं किया, लेकिन तूने गुरु से प्राप्त किया है और गुरु और गुरु माता ने कहा है कि तू हम जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा कृष्ण, तूने ऐसा ऐसी गुरु दक्षिणा दी है, तूने मरे हुए मेरे बालक को फिर ला के दिया, हे कृष्ण ऐसी दक्षिणा संसार में किसी ने नहीं दी, इसलिए संसार में तू योग्य गुरु कहलाएगा, कृष्ण वंदे जगत गुरु और योगेश्वर कहलाएगा। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि कृष्ण भी सुदामा से उतने गरीब में भी बिना उसके पास से कुछ लिए उनको कुछ नहीं दिया, कम से कम पोहा तो लिए ही लिए और उसके बाद ही उनको वो सब दिया। ये गुरु दक्षिणा की एक छोटी सी कहानी है और वो धनवान बनने की क्रिया है। मैं आपको कहता हूँ कि ऐसी ही कहानी के बीच तल में सुदामा घर से निकले थे तो दरिद्रता के कारण अपने गुरु आश्रम से ही चल रहे थे, तो गुरु आश्रम से एक बच्चा सामने आया और कहा कि सुदामा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने आंखों में आंसू थे, उसने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या कहूँ, मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, क्यों इतनी दरिद्रता तेरे पास ऐसी है। तो उस मित्र ने कहा कि कृष्ण की तरह तूने गुरु दक्षिणा या गुरु का वचन पालन नहीं किया इसलिए तुझे दरिद्रता है।
मैं तुझे छोटी सी एक घंटे की साधना बता देता हूँ, क्योंकि तू मेरा भी मेरे गुरु का ही शिष्य गुरु भाई है। और उसने कहा मैं इस यहाँ एक छोटा सा वृक्ष है, इससे सेवल का वृक्ष कहा जाता है, उसकी 100 लकड़ियां देता हूँ, उस लकड़ियों पर 100 बार एक मंत्र बोल दे और उसकी आहुति दे दे और तू आगे जा। उसने कहा क्या होता है, और उसने वो आहुति दी और सुदामा आगे गए। आपको कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा कितने धन्यवाद है आपको ये पता है। उस साधना को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ इसलिए कि आप कभी दरिद्र ना रहे, मेरे पास पैसों के लिए ना मांगे, आप स्वयं गुरु को प्रदक्षिणा देने के लायक हो और अपने काम करने के लायक हो। आज मैं भी एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, 6 भाइयों का बड़ा भाई, मैंने भी एक छोटे गांव में जन्म लिया है, मैंने भी नौकरी की है, लेकिन साधना के बल पर जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं गुरु को कभी एक बार भी विरोध से कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने मेरे पास जब पैसे लेके मेरी परीक्षा की और गुरु ने कहा कि जोशी तू स्वीकार कर, तब मैंने जेब में 5 पैसे नहीं थे। यहाँ मेरे गुरु भाई रवि भैया यहाँ है, शायद कहीं भी है, तो उन्होंने भी, उनको भी मालूम है कि हमारी परिस्थिति क्या थी जब गुरु जी ने स्वीकार करने के लिए कहा एक एक पैसा लेने के लिए। अगर उस दिन मैं गुरु जी का स्वीकार न करता तो आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं होता। इसलिए गुरु जी की इच्छा पूर्ण करने वाला, गुरु के विरुद्ध न बोलने वाला, गुरु के चरणों में झुकने वाला, गुरु की माया गुरु जाने, गुरु क्यों कुछ किसी बात को क्यों बोलते हैं ये हम नहीं जानते। गुरु जी जो कुछ भी पूछे अगर हम सहर्ष देते हैं, नहीं तो अहिष की जात करना तो आपके जन्म से की आदत है। हम देने से पहले गुरु ने 100 रुपये पूछे तो गुरु जी 50 रुपये है, वो 50 रुपये देने में भी आगे पीछे करें। हमने कुछ भी जानना है तो अपने आगे पीछे करेंगे, लेकिन जो गुरु जी ने मुझे सिखाया उस स्थिति से मैं जो गुजरा हूं। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि गुरु जी ने जब मेरे को काशी के पास विद्यावासिनी के पास साधना करने के लिए भेजा तो मैं यहां से दिल्ली 2000 रुपये लेके गया था। और गुरु जी की क्या इच्छा थी मुझे पता नहीं। गुरु जी ने कहा ऋषि कहां से आया, मैं नौकरी से नौकरी कर रहा था, गांव सरकारी नौकरी थी, लीव भी नहीं मिलती थी, लीव की मुझे गुरु जी ने शरण कह दिया कि ऋषि ऐसा कर तो यहाँ से विद्यावासिनी साधना को चले जाओ। मैंने ऑफिस में भी नहीं बोला था और मैंने कहा अब गुरु जी को नहीं नहीं कहना चाहिए, गुरु जी ने कह दिया है। गुरु जी को नाम कर कहते हुए मैंने कहा कि प्रभु कहिए क्या करना है। बोले तेरे पास कितने पैसे हैं। गुरु जी 2000 रुपये। तो गुरु ने कहा 2000 रुपये दे दे, अगर 2000 रुपये दो तो दिल्ली से हैदराबाद कैसे जाऊँ, दे दिया दे दो। बोले दे दिया। दे देने के बाद गुरु ने कहा इसमें से मैं 82 रुपये दे रहा हूँ, 82 रुपीज। यहाँ से विद्यावासिनी जाने के लिए उस समय खटारी बस चलती थी, 60 रुपये के विद्यावासिनी, वहां से जंगल में जाने के लिए 20 रुपये मिलते और बाद में बचता था 2 रुपये। मुझे वो नहीं मानू, वो दे दिया और बोले जा। मैं देखा बस से गया और एक जंगल में उतरा, जंगल से जाकर जंगल में जा रहा था तो खटारी बस वाला पूछा प्रभु कहाँ जाना है। मैं बोला फलाने जगह जाना है, तो जंगल का एक झरना बहता है वहां जाना है। बोले उतने घने जंगल में आने के मरने जा रहे हो क्या, क्यों जा रहे हो, मुझे पता नहीं कोई घना जंगल है क्या है, गुरु जी ने कहा है जाना है जाना ही। वहां गया मैं देखा कि वहां से 60 रुपये दिल्ली से विद्यावासिनी में, वहां से 20 रुपये खटारी बसता हुआ और फिर बाद में जेब में 2 बजे बस। चिंता शुरू हो गई, यहाँ तक तो पहुंच गया, आगे पीछे कैसा जाओ, पहले वो चिंता हारे आगे क्या। यहाँ साधना करने के लिए खाना खाना खाने खाने वाला कुछ ना कुछ तो पूछेगा, उसको पैसे कहाँ से दूं। जंगल है पूरा, उसने तो बस वाले ने कहा यही है तुम्हारा स्थान जो तुमने बोला है। देखता हूँ पीछे क्या है कि एक 2 साधु है पीछे से समझता।
हमारी चेतना आते हुए बोलते रहते, अब बुढ़े हो गए कार्पेटेड़ो कार्पेटेड़ो, मैं बोला कार्पेट तू बुढ़ा हो रही ना, अभी जरूर चल के बताता हूँ, ऐसा बोलते ही चल गए यार। तो कभी अपने आप को असमर्थ नहीं समझना चाहता, असमर्थ नहीं रहता, असमर्थ नहीं समझना चाहता। गया 11 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कहा जोशी जी यहाँ झरना बह रहा है, ये आपकी साधना का स्थान है, आप यहाँ साधना करनी है। बोले क्या? झरने के नीचे जाने स्नान करके आओ। गए झरने के नीचे स्नान करे, एक धोती उन्होंने ही दी जो पत्तों से बंधी थी, उन्होंने कहा ये धोती पहन लो, पहन ले। बोले झाड़ के नीचे खड़े होकर आपको साधना करें। मेरे साथ एक बिहार के साधु थे, उनको और मेरे को दोनों को साधना करनी थी, और तीसरा साधु तो बैठ रहा था। अच्छा अपना अपना जब करते बैठा था, मैंने देखा कि ये क्या है यार ये। मैं बोला अरे यार तुम्हें एक बात बताओ, क्या बहुत दूर से आया, कुछ खाया नहीं है, अरे उसका खाने का इंतजाम हो जाएगा, आप क्यों बेफिक्र रहो, आप खड़े हो साधना करो। साधना हुई, शाम हो गई, अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा है, उसने छोटे लकड़ियां लगाकर अग्नि प्रज्वलित की, देखा यार उन्हें सबने लकड़ी लगाया है, कुछ खाना पकाया है। मैंने बोला अरे यार भूख लगी है, फैल जाया फैल जा गया झरने के पास, गया एक पत्ता लिया, पत्ता पानी में डुबाया, बोला तेरा जीव तुम्हारी बाहर करो, तुम्हारे जीव बाहर किया, 5 बूंद पानी डाला, बोला हो गया तुम्हारा खाना। मैं बोला 11 दिन मर जाऊंगा यार ऐसा ऐसी साधना करता। उन्हें कहा तो साधना तो ऐसे ही कर रहे ना। दूसरे दिन पांव लड़खड़ाने लगे, खड़े रहने की उनकी शक्ति चाहिए। उसने ये लेकर एक पेड़ को मुझे बांध दिया, पूरी तरीके से पेड़ को बांध दिया और कहा कि तुम्हें खड़े नहीं हो रहा है ना, मैं बांध दिया हूँ, अब तो गिरेंगे नहीं, चलो साधना करो। पहले 2 दिन हुए, रोज लगातार 5 बूंद पानी से डालता, साधना खाना खत्म, साधना चल। ऐसा करते करते हुए 11 दिन गुजरे। 11वें दिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं मालूम तुम्हें क्या बताऊँ। उसने जब मुझे रोज खोलता था, पत्तों पर सोने के लिए कहता था, पत्तों पर सोए, उठा बाहर आया और मैंने कहा कि सर अभी ठीक है, साधना हो गई। बोला अब हमारे साधक है यहाँ जी, मेरे पास साधना करने का है। उन्होंने 5 दिन की साधना में अगर गलती से गुरु जी ने लिख दिया है कि 3 दिन की साधना में आपको सुगंध आएगा या आपको घुंघरू की आवाज आएगी या आपको कुछ दिखेगा, तो उन्होंने 3 दिन ही पूरे मेरे को घुंघरू की आवाज नहीं आई, मेरे को साधना में सुगंध नहीं आया। वो शुरू कर देता है 5 दिन के बाद, 5 दिन तो मेरे जाकर कपड़े पे खड़े रहता था, गुरु जी मैं साधना 5 दिन की किया कुछ नहीं हुआ। मुझे 11 दिन करने के बाद मुझे मुंह से ये नहीं निकला कि मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं यही सोच रहा था कि कब घर जाऊँ, कब खाना खाऊँ, खाना नहीं खाया, मैं साधना सिद्धि की बात तो दूर है। उस साधना ने कहा हाँ जोशी जी अब 11 दिन की साधना हो गई, अभी चलना है। और कहाँ चलना है यार, 11 किलोमीटर यहाँ से चल सकता हूँ क्या? रेंगते हुए भी नहीं चल सकता हूँ, मेरे में शक्ति ही नहीं है। बोले आप एक योग्य गुरु के सामने क्लेश राज जी के शिष्य होकर ऐसी बात करते हो, आप हमारे दोनों को ले गया और उसने कोई पत्ता वहां से लाया और बोला तुम्हारा मुंह खोलो और उस पत्ते का रस मेरे मुंह में डाल दिया। जैसा ही पत्ते का रस मेरे मुंह में डाला, मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं 11 किलोमीटर का 20 किलोमीटर भाग के चल सकता था। उसका ज्ञान उसे ही था, उस साधु ने डाला। मैं वहां से 11 किलोमीटर गए, देखता कि हम वही बस वापस आ रहे हैं। अरे मैं बोला यार सच में मेरे पास 2 ही रुपए है, मैं दिल्ली तक कैसा पहुंचूंगा? अरे आप इतने बड़े महान गुरु के शिष्य होकर फिर भी डरते हो? अरे महान शिष्य क्या पैसे आएंगे क्या, पैसे भुगत कर ले जाएगा, फ्री में ले जाएगा क्या, कैसी बात करते हो यार? अरे थोड़ा विश्वास से बोलो, तुम ठहरे तो सही। बस आ गए तो उसने उस साधु ने कहा, एक मारवाड़ी बैठे थे टोपी वगैरह डाला था, उस मारवाड़ी को देखा, मारवाड़ी सेठ जी क्या ये जो आदमी है ना ये दिल्ली जाएगा, यहाँ से जाएगा दिल्ली जाएगा, इसका खाने का और टिकट का इंतजाम करना, पहले टिकट निकालो। वो जो मारवाड़ी सीट बैठा हुआ था मानो ऐसा मारा था कि उसके हाथी जो के काम करता है, उसने टक्के साथ टिकट निकाल दिया, टिकट मेरे को दिया, वहां से जाने के पैसे मेरे को दे दिया। महाराज जी दे दिया हूँ, बोला भाई बोला ये इतना इतनी बात कैसा कर रहा है, इतना दे दिया हूँ कहता है। मैं बैठा और वहां से गुरुचरणों में दिल्ली पहुंचा और गुरुचरणों में जैसा ही नमस्कार किया, मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताने से नहीं रुकता, लेकिन इतनी बात है कि मुझे दशमा विज्ञान का रूप गुरु जी ने बता दिया और कहा जोशी तेरे जीवन में अभी से कभी कुछ नहीं कम पड़ेगा और वैसी साधना मुझे गुरु जी करेगा। तू जो चाहता है वो तुझे प्राप्त होगा, ऐसी गुरु जी कृपा थी। लेकिन वो साधना आज तुम्हें जो बता रहा हूँ वो साधना ऐसी साधना नहीं थी जो कठिनतर से कठिनतर साधना थी, मैं तो ऐसी कठिन साधना बोलता ही नहीं, फिर भी आपको कह रहा हूँ अगर आप में तपस्या है साधना है तो जीवन में ऐसा कुछ करके बताओ जिससे आप कुछ प्राप्त कर सको।
कम से कम उतना नहीं कर सकते हो कि छोटी छोटी साधनाएं आपके मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपकी मेरे पास आप सब लोग क्या लेकर आते हो? सिर्फ ये करने के लिए मुझे धन का अभाव है, माता पिता बीमार है, हमारे पास बच्चों को उन्होंने संतान नहीं हो रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सिर्फ यही लेके आते हो। कभी अपनी तपस्या के बारे में सोचा ही नहीं कि आपने तपस्या क्या की है। तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने शरीर को ताप देता है उसे तपस्या कहते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना। अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी, शिव पार्वती अपने को पहले एक समय खाना खाते थे, बाद में खाना छोड़ दिया, पत्ते खाते थे, बाद में पत्ते छोड़ दिए, बाद में पानी पीकर साधना की, और पानी भी पीकर साधना जब शिव प्रत्यक्ष नहीं हुए तो माता पार्वती ने सिर्फ, यही मैं आपको अभी बात बता रहा था कि सुदामा को उसने कहा कि तूने जीवन भर सब कुछ किया, तूने गुरु दक्षिणा न दी और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो कृष्ण कृष्ण करता रहा और बीच में गुरु को छोड़ दिया, जरा इससे मुझे इस दरिद्रता को भोगना पड़ा और मैं जीवन के आखिरी दम तक साधना किया। फिर भी गुरु जी ने कहा कि तुझे इसे दक्षिणा नहीं चाहिए। मैंने कहा बिना दक्षिणा के मैं तुम्हारी विद्या लेके नहीं ला सकता, मैं तुम्हारा फल नहीं लेके जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा को तुझसे नहीं चाहता, लेकिन आगामी कहलाई लड़की मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर तुझे दक्षिणा चाहती है तो तुझे मांग ले। जब कृष्ण पत्नी के पास गए, गुरु माता के पास गया और कहा कि मैं बिना दक्षिणा दिए तो यहाँ की विद्या नहीं ले जाऊंगा, यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊंगा, कोई साधना नहीं ले जाऊंगा, साधना का फल मैं नहीं चाहता। माता ने कहा तुम मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हो क्या? मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकोगे? तो उन्होंने कहा कि माँ तो कहते तब तो देखो, और मैंने तुम्हें वादा किया है कि तुम्हारे तुम्हें बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं यहाँ से जाऊंगा, वो कैसे भी दक्षिणा। जो मरा हुआ है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? लेकिन कृष्ण ने कहा माँ अगर ये कार्य करता हूँ तो मैं गुरु दक्षिणा देने वाला कहलाऊंगा, और ये कार्य नहीं किया तो मैं ये विद्या यहाँ छोड़कर चला। कृष्ण गए यहाँ से समुद्र बालक गया था, वहां समुद्र का आह्वान किया, उन्होंने पूछा तो एक ने कहा कि पांचजन्य नामक राक्षस इस समुद्र में रहता है, उसने उस मुनि बालक को, सांदीपनि मुनि के बालक को उसने अपने पास किया, उसको लेकर बैठा है, उसकी आत्मा वहां बंधी हुई है। और जब उस बालक की आत्मा को निभाया, पांचजन्य से कृष्ण ने लड़ाई झगड़ा किया, युद्ध किया, पांचजन्य को हराया और आत्मा लेकर बाहर आए, उन्होंने सोचने लगे कि अभी क्या करना है, तो उन्होंने समुद्र की मिट्टी से एक पुतला बनाया, पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें वो आत्मा रख दी और उस बालक का नाम लेकर पुकारा, जैसा ही उसमें प्राण आ गए। उसने कृष्ण ने उस बालक को ले जाकर उनके माता के सामने जब खड़ा किया तो माता को इतना आनंद आश्रित है, कृष्ण को गले लग गया। कृष्ण ने कहा नहीं माँ, मेरा तो स्थान तुम्हारे चरणों में है। गुरु ने भी कहा कि उनके चरणों में उन्होंने अपना सर रखकर कहा कि हे कृष्ण, यह कार्य कोई नहीं कर सकता। कृष्ण उनके अपने गुरु को नमस्कार कर रहे थे और कहा कि ये बात सही है, और उनको बालक को लेकर वे इतने आनंदित हो गए कि उस आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और दोनों ने मन गुरु की आशीर्वाद किया कि जब तक सूर्य और चांद है तब तक कृष्ण तेरा नाम यहाँ रहेगा, हम मेरे से भी ज्यादा। तो कृष्ण जाते जाते एक बार बोल के गए कि हे प्रभु, एक बात मेरे समझ में नहीं है। बोले क्या? मैं यहाँ इतने दिन से आपके पास रहा, आपका बालक कट गया तो आपके बालक को आप जिंदा करके ला सकते हैं, क्या मैं आपसे भी शक्तिमान? तो उनके गुरु कहते हैं कृष्ण तेरे ऊपर जो गुरु कृपा है वो गुरु कृपा गुरु का नहीं है, मैंने उतनी गुरु दक्षिणा अपने गुरु को नहीं दी और मैं गुरु की इतनी सेवा नहीं की, इतनी सेवा नहीं की, जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो असंभव कार्य भी संभव कर सकता है, और तेरे को गुरु कृपा होने के कारण तुमने कार्य किया है, ऐसा उन्होंने उनको कहा। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, जिसने बिना नोक टोक किए अपने गुरुचरणों में समर्पित हुआ, अपने गुरुचरणों में सर रखा और गुरु को, गुरु के वचनों को पाला, मैं समझता हूँ वो पीछे नहीं हटा। और मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने आपको ये अनुभव क्योंकि कहा मेरे पास उस समय ₹2000 लेकर गुरु ने बाद में मेरे पैसे मेरे लौटा के हैदराबाद आने के लिए, लेकिन उन्होंने लिया अगर उससे उस जगह दूसरे कोई होते तो क्या करते, पैसा
आपके जीवन में मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, आज भी कहता हूँ, देवता है आपके घर के सामने खड़े रहेंगे और बोलेंगे तुम क्या करें क्या करें। लेकिन एक बार गुरु के प्रसन्न करके तो देखो, गुरु के मुंह से कहो कि तुम मेरा शिष्य है। यह बात कहते हुए मैं आज कहता हूँ, मैं आपके हर एक की समस्या हर एक तरह से जानता हूँ। सभी को यही है, गुरु पैसे नहीं है, या तो बच्चा नहीं है, या तो शादी नहीं हुई, या तो वो बीमार है या मैं बीमार हूँ, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी लेकर नहीं है। ये तो भौतिकता है और भौतिकता के लिए गुरु ने बहुत सारी साधनाएं दी है। और मैं अगर बड़ी बड़ी साधनाएं दूं कि आप 1 लाख जब करो 2 लाख जब करो, तो यहाँ से तो आप बड़े खुशी के साथ यंत्र ले जाते हैं, फिर बाद में यंत्र डब्बे में चला जाता है, कोई साधना नहीं करता। और बाद में आपको ये बोलता है गुरु जी साधना नहीं, होता भी नहीं कि साधना नहीं हुई। ऐसे मैं आपके पास से कम इतने लोग यहाँ बैठे हैं पुराने साधक है, तो मैं आपके सामने इतना बता सकता हूँ कि इसमें 90% लोग यंत्र यहाँ से ले जाकर डब्बे में रखने वाले 90% लोग हैं। 10% क्या है ऐसे वैसे साधक, मैं नहीं कहता हूँ, एक बार हाथ उठा के बता दो कि हम यहाँ है या नहीं। आप सभी को मालूम है कि आप यहाँ से ले जाने पर साधना नहीं करते। और मैंने यह निर्णय लिया है कि आप छोटी सी होगा तो आपको मेरे सामने ही करो और उसका फल अनुभव करने के लिए रहो। मैं आपको इसी तरह इन छोटी सी चार साधनाओं इन 3 दिनों में आप सफल रहो, आपकी धन की कमी के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके खून किसे से उसके लिए, आपके रोग निवारण के लिए, आपके बच्चे अलग है, आपकी बात नहीं सुनते, पढ़ाई नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी मैंने सुलेमानी है और एक विशेष मत्स्य गणपति बना हुआ है जिसकी अंगूठिया लाकर आपके बच्चे के गले में डालते हो तो आप निश्चित रूप से आपके बच्चे का अलग बन जाएगा और बच्चा अपने साथ कहते हैं वैसा सुनेंगे और वैसी ही साधना संपन्न करेंगे। ऐसी साधना मैंने आपको दी है। इसी प्रकार मैंने बहुत पुस्तकों को खोजने को, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लास्ट इस 2 महीने के अंदर जो यहाँ बैठा हूँ तो कम से कम मेरे पास 40-50 केसेस ऐसे आए कि लड़की सुंदर है, लड़की के पिता अच्छे ऑफिसर है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, शादी हुई तो टूट जाती और वो इतने माँ बाप परेशान रहते हैं, लड़की भी इतनी परेशान रहती है कि उनकी शादियाँ टूट ही हो जाती। ऐसा ही मैंने ढूंढा कि अब इन लोगों को किस तरह शादी होने की सुखी जीवन किस तरह व्यतीत करें। तो ये अपनी ही समस्या नहीं, एक जमाने की समस्या है। एक जमाने में माली सुमाली और सुमाली के नाम पुलिस के वंश में बहुत सारे श्रेष्ठ साधक हुए। बाद में उनको गर्व आने के कारण वो राक्षसी तत्व को प्राप्त करे, उन्होंने देवताओं को हराया, देवताओं को सताया, विष्णु ने उनके बड़े भाई को मारा। बाद में माली और सुमाली ये दोनों बड़े भाई के डर से भाग कर जाके नागलोक में छुप गए। उस माली और सुमाली की बेटी थी, नाम था कैकसी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का नाम संसार में सभी लोग लेते थे कि बहुत सुंदर लड़की है। और वो नागलोक में बहुत सारे सुंदर लोग थे, लेकिन उसके साथ शादी करने के लिए डरते थे कि अगर उसके साथ शादी की जाए तो हम टिक नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली सुंदर है तो ही, और उसके पिताजी भी शक्तिशाली है, तो हम 2 दिन में हमारी शादी टूट जाएगी, हम उसको तृप्त नहीं कर सकते, उसको सुख नहीं दे सकते। ये डर से शादी करने के लिए कोई नहीं आए। पिता बहुत चिंतित रहा करते थे कि मेरी बेटी की शादी कैसे हो, कितने लोगों को भी पूछे। बेटे ने भी कहा कि प्रभु अपनी शादी होने से अब तो शादी तो नहीं हो सकती, कैसे करना है। तब सुमान ने कहा कि ऐसा करेंगे, हम दोनों मिलकर भूलोक जाएंगे, अब तो नागलोक में है, भूलोक में प्रेरण। बोले नागलोक जैसा पवित्र इतना तपस्वी लोक है, यहीं मेरी शादी नहीं हुई, यहीं सब लोग डरते हैं कि मेरी शादी टूट जाएगी तो वहां कैसे होगी। तो उन्होंने कहा जाए प्रयत्न तो करेंगे। वो गए तो उन्होंने देखा कि पुलिस के एक नातू थे, यानी उनके पोते थे, उनका नाम था विश्रवा, वो अपनी तपस्या भूमि में बैठे हुए थे। तो तब उन्होंने कहा कि अभी आगे क्या करना है। तो विश्रवा को देखने के बाद कैकसी ने कहा कि आप अगर कहते हैं तो मैं इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। बोले क्या उसके क्रोध का कारण बनना है, वो क्रोध से भस्म कर लेगा, मैं तो नहीं आता। पिताजी कहने मैं उसके सामने, विश्रवा बहुत ही सिद्ध ऋषि है और उसके कोप का भजन मैं बनना नहीं चाहता, और मुझे पता है कि उसकी शादी पहले ही हो चुके हैं, भरद्वाज नाम की मुनि की कन्या के साथ उसकी शादी हुई है, वो तू जाकर पूछ ले, मेरे से नहीं होता। वो गई और विश्रवा के सामने खड़ी रही। बोले दो ही बातें होंगी, या तो मैं भस्म हो जाऊंगी या तो उसकी पत्नी बनूंगी। खड़ी रही और उसने विश्रवा ने देखा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। तो उसने कहा अगर आप कालज्ञानी है तो मैं किस लिए आई हूँ आप जान सकते हैं।
अगर आप मुझे योग्य समझते हो तो मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण करो, और नहीं समझते हो तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने देखा, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी है, और इसके कारण मैं यह विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को मृत्यु के सिवा दूसरा मार्ग नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना देता हूँ, उस साधना को संपन्न करो, अगर उस साधना से मेरे पत्नी और उसके पिता भारद्वाज मावनी मानते हैं तो मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी शादी जरूर होगी। उस मुनि आश्रम में ही वो रुक गई और उन्होंने उसके साथ साधना करवाई, जो मैंने आज आपको इसी साधना में दी है। असंभव होने वाली पत्नी बेटियों की शादी के लिए, या पत्नियों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको संतान नहीं हो रही है, तो विश्रवा महामुनि ने वो साधना उनसे संपन्न की। जैसे ही उसने साधना संपन्न की तो भारद्वाज मुनि की पत्नी, भारद्वाज मुनि की बेटी आई और विश्रवा से कहने लगी कि यह जब तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो तुम इसके साथ शादी कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पुलिस मेरे नाना से पूछूंगा। नाना के पास गया तो नाना ने कहा कि तेरा यह एक दैव कार्य है, यह मैं गुरु होकर तुम्हें कह रहा हूँ, तो उसके साथ शादी कर ले। और विश्रवा से कैकसी की शादी हुई, और कैकसी के 3-4 पुत्र हुए, उसमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा आदि थे। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसे जीवन में असंभव कार्य के लिए एक छोटी सी साधना विश्रवा ने जो थी, वही साधना मैंने आज आपको इस बोर्ड पर दी है, जो आपकी मनोकामना साधना करने के कारण कहा गई है। तुम्हारे जीवन में जो असंभव कहा जाता है उसको करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये 4 दिन, अगर मेरे आने में, मैं सुबह साधना करके यहाँ आता हूँ तो आने में अगर कुछ समय लग जाता है, तो आप समय का दुरुपयोग ना करो। वैसे तो आप खाना खा के घर में सोने का काम करते हैं, ये 3 दिन सोना और खाना दोनों बंद कर दो। खाना तो मैंने रखा है, लेकिन सोना आपकी इच्छा है। यहाँ 3 दिन आए हो तो 3 दिन साधना संपन्न करो और आपकी इच्छाएँ पूर्ण कर जाओ। ऐसी ही मनोकामना करता हुआ मैंने वाद विवाद में, आपको कोई शत्रु है और शत्रु बहुत सता रहा है, तो उसके लिए भी मैंने साधना दी है आपको। मैंने जैसे अभी कहा है कि ये साधनाओं को जो कहीं नहीं मिलते मैंने ढूंढ कर निकाला है। वज्रांग नाम के एक देव है जिसको महापराशर मुनि ने हनुमान जी से पूछकर ये साधनाएं लिखी थी, और उस पुस्तक को ढूंढने के लिए, लेने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और ये साधनाएं आपको संपन्न करवाने के लिए दे रहा हूँ। आपकी निश्चित रूप से इन साधनाओं को, केवल 1 घंटे की साधना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत कुछ भी करने से सुधरती नहीं है तो भी साधना है, इस साधनाओं को मैंने यहाँ दिया है, जो आप करेंगे तो केवल 1-1 घंटे में साधनाएं पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी साधनाएं आप संपन्न करें। आप थक के आए, मुझे पता है आपको भूख भी लगी होगी, सोना भी है, तो सारे काम करो, लेकिन यहाँ आए हैं तो साधना भी संपन्न करो। और जिस फल के लिए, जिस गुरु पूर्णिमा के लिए, जिस गुरु के पास आए हो, गुरु का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाओ। और कभी भी अगले गुरु पूर्णिमा अगर हो आप तब आए, तो आप इतनी करना, इतना कहना कि गुरुजी हमने, आपने दी हुई साधना संपन्न की और उसका फल हमने भोगा है। जिस दिन आप ये कहेंगे मुझे बहुत आनंद होगा, प्रसन्नता होगी कि मैंने ये साधनाएं आपको संपन्न करवाई। कल सुबह मैं यहाँ फिर 8 बजे तक आ जाऊँगा, और कल के गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है, और उस सिद्धाश्रम पहुँचने की साधना, जो जीवन का एक योग्य कार्य है, सिद्धाश्रम क्यों जाना चाहिए, सिद्धाश्रम के लिए गुरुजी ने क्यों कहा है, और सिद्धाश्रम जाने से अपने जीवन में क्या होता है, सिद्धाश्रम का वो कौन सा मंत्र है जो अपने जीवन में प्रफुल्लित करते हुए आनंद को प्रदान करता है, ऐसी साधना कल सुबह आप सभी को प्रदान करूँगा। आप अभी सभी लोग भोजन करें, विश्राम करें, और जो साधना के इच्छुक है वो साधना संपन्न करें। मैं कल सुबह 8 बजे आपको मिलता हूँ। अभी आप सब लोग खड़े हो जाओ, कर्पूर आरती होगी, उसके बाद मैं कल सुबह आपसे मिलूंगा।